Guys, अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिक्स भी बहुत सही काम कर रहा है और बहुत अच्छे क्वालिटी के स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे प्राइस में लाकर दे रहा है अब इन लोग ने इन्फिनिक्स का नोट सीरीज लॉन्च किया है उसमें से ये जो नोट टेन है वो मेरे पास आ चुका है हम इसको खोलते हैं देखते हैं कैसा फोन है भाई बहुत तगड़ी प्राइसिंग के साथ में और एकदम किलर स्पेक्स के साथ में इन लोगों ने लॉन्च किया है मैं सारी बातें आपको इसके बारे में बताता हूँ एंड इज अनबॉक्सिंग एंड माई फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस नोट लेट्स बिगिन So so स्टोरेज के साथ में आता है सिक्स पॉइंट नाइन फाइव इंच का फुल एच डी प्लेस डिस्प्ले है जी हाँ लेकिन आईपीएस ये याद रखो बैक साइड में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जी ए फाइव प्रोसेसर फोर्टी एट मेगा पिक्सल कैमरा तो सबसे पहले हमको टॉप पे फोन मिल जाता है उसके बाद इसके अंदर हमको यहाँ पर एक चार्जर मिलता है जो शायद से 12 वोल्ट 1.5 पॉइंट फाइव बेसिकली 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया हुआ इस बार और टाइप सी केबल है थैंक यू थैंक यू सो मच भाई साहब टाइप सी केबल मिली ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड उसके बाद एक सिम इजेक्टर पिन बहुत सारे पेपर वर्क एक्चुअली एक स्क्रीन गार्ड भी है और एक सिलीकॉन केस है ओके दैट्स नाइस एटलीस्ट कुछ तो रहेगा प्रोटेक्शन के लिए बहुत सही रहता वो ये फ़ोन है हमारा ओके सो डुअल टोन में है बीच में से एक लाइन गई हुई जैसे आप लोग देख रहे हो काफी बड़ा फोन है टू बी ऑनेस्ट मतलब 6.95 इंच की स्क्रीन है तो काफी बड़ा ही हुआ जैसे आप लोग ये देख रहे हो चुली में काफी बड़ा है लेकिन हैवी नहीं है यार मतलब 6.95 इंच के हिसाब से इट इज अ गुड फॉर्म फैक्टर और हाथ में अच्छे से बैठता है पीछे ग्लॉसी प्लास्टिक है ये एक चीज है लेकिन भाई अच्छे से बैठता है फील बहुत अच्छी है मजबूत लगता है फोन कहीं से ऐसा मतलब क्रीकिंग वगैरह तो मेरे को सुनने को नहीं मिल रही है बटन का टैक्टाइल साउंड है और पीछे के साइड में देखो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और ये वाला जो डिज़ाइन है जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है बीच में एक लाइन है इधर ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ सेम डिज़ाइन है काइंड ऑफ ये ब्लैक एंड ग्रीनिश टेंट में बॉटम साइड की बात करो तो भाई यहाँ पर हमको थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक देखने को मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन होल यूएस बी टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल इस साइड की बात करो तो भाई यहाँ पर हमको मेन फिंगरप्रिंट स्कैनर वॉल्यूम रॉकर मिलता है टॉप साइड में कुछ भी नहीं है पूरा सन्नाटा है इसमें नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं दिया हुआ है uh, इस साइड की बात करू तो यहाँ पर सिम स्लॉट हमको देखने को मिलता है जिसमें हम दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं कवर लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है काफी सही है मतलब इधर आगे आई पे काफ़ी प्रोडक्शन दिया हुआ है काफ़ी सही चीज़ लगी और बाकी फ्रंट साइड की बात करो तो भाई यहाँ पर हमको ऊपर ईयर पीस देखने को मिलता है उसके नीचे कुछ सेंसर्स हैं शायद से फ्लैश भी दिया होगा और ये एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है और ये 6.95 इंच की फुल एच प्लस आई डिस्प्ले है ओके चलो मैं क्विकली इसको सेटअप कर लेता हूँ सोज so, ये फ़ोन है इसके अंदर हमको वन ट्वेंटी इंटरनल स्टोरेज छः जी रैम सोलह मेगा का फ्रंट कैमरा और 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है 5000 हज़ार बैटरी है और 18 वोट का चार्जर है G85 प्रोसेसर है एंड टेन स्क्रीन है इस बार तो ये काफ़ी अच्छी चीज लगी और स्क्रीन की क्वालिटी जो है जैसे कि आप लोग देख रहे हो भाई तो इस बार पिक्सल वगैरह नोटिस नहीं होते ये काफी अच्छा है लेकिन भाई आईपीएस डिस्प्ले है तो यहाँ पर हल्का सा शडो हमको देखने को मिल रहा है कैमरे के अराउंड तो ये एक चीज़ याद रखो फ्रंट साइड में भी फ्लैश यहाँ पर दिया हुआ है जैसे आप लोग देख रहे हो फाइव गीगा का बैंड सपोर्ट करता है बाकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी हर्ट्स है लेकिन जो स्मूथनेस है मतलब यू वगैरह की वो काफी अच्छी लग रही है मेरे को अभी तक के तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा वियर्ड सा जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है विल सी अबाउट दैट मैं पहले आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ ओ भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर भी है बट इसके अंदर एच वीडियो का सपोर्ट नहीं है इस तो बेसिकली जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसमें एच वीडियो सपोर्ट कर सके ये नॉन एच डी वीडियो है, इस कुछ इस तरह का लुक आता जैसे आप लोग देख रहे हो भाई सामने से देखो तो काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले दिखता है काफ़ी हरा भरा लेकिन थोड़ा सा ऐसा ऑफ करो एंगल ना तो थोड़ा काला पड़ जाता है भाई तो ब्राइटनेस डेफिनेटली मतलब व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं है और अफकोर्स मैं अभी एमोलिड डिस्प्लेज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी तो उसमें भी आ जाता है लाइक ब्राइटनेस ये फुल है जैसे आप लोग देख रहे हो तो एक काइंड ऑफ एडिक्वेट ब्राइटनेस है लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेवल की ब्राइटनेस मत एक्सपेक्ट करना इससे थोड़ी तो ब्राइटनेस और ज्यादा हो सकती थी और जो विविंग एंगल्स है वो भी इतने खास नहीं है बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से इट इज वेरी गुड इसमें डी साउंड दिया हुआ है तो लेट्स पुट भाई स्पीकर्स काफी ज्यादा लाउड है मतलब डेफिनेटली बेस वगैरह तो हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता लेकिन काफी लाउड स्पीकर है काफी अच्छे क्वालिटी के स्पीकर है स्पेशली इस प्राइस में बात करूँ क्योंकि भाई दो स्पीकर मतलब जो बॉटम है यहां से भी आवाज़ आती है और इधर टॉप में से भी आवाज आती है अब अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो जैसे आप लोग देख रहे हो टैप किया एंड तुरंत अनलॉक लॉक किया टैप किया तुरंत अनलॉक टैप किया तुरंत अनलॉक टैप किया तुरंत अनलॉक तो भाई काफी फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक की बात करू तो फेस अनलॉक भी काफी ज्यादा फास्ट है जैसे आप लोग तो देख रहे हो बटन दबाया खुला खुल लाइक रियली क्विक फेस अनलॉक भी तो मेरे को ये काफी अच्छा लगा सिक्स डेज लेते अब गई मैं अगर फोन की बात करूँ तो भाई जो फोन है वो पूरा प्लास्टिक का बना है लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये प्राइस के हिसाब से लुक्स भी काफी अच्छा है पूरा स्ट्राइपी डिजाइन है और वही कन्वेंशनल इधर साइड में कैमरा वाला डिजाइन है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बहुत फास्ट है मैंने ऐसा बताया आप लोगों को ओवरऑल आई लाइक द डिजाइन एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द फोन और फोन लाइट भी है ज्यादा मतलब बहुत हैवी नहीं है और पाँच हजार के हिसाब से और बहुत बड़ा डिस्प्ले है ये चीज़ है और डिस्प्ले आईपीएस है लेकिन सिक्सटी हर्ट्स है लेकिन फुल एच डी वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो ये हो जाता है कि लाइक जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा हूं क्रिस्प डिस्प्ले है अच्छा लगता है लेटमी क्विकली इसमें अल्ट्रा वाइट सेंसर नहीं दिया फर्स्ट ऑफ ऑल ओके है मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर मैं रियर कैमरे की बात करूँ तो भाई जो मेन 48 एट मेगा पिक्सल सेंसर है उसका ये एक फोटोज़ है अगर मतलब इधर पे लाइटिंग बहुत अच्छी है उसके हिसाब से भाई जो कैमरे की क्वालिटी है वो काफ़ी सही है एक्चुअली ओके थोड़ा डायनेमिक रेंज पे डेफिनेटली काम करने की जरूरत है लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वन जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये लिखा हुआ है तो भाई वो हिसाब से लाइक जो प्राइस में ये आने वाला है मेरे को जहाँ तक अंदाजा है दस से बारह हज़ार के रेंज में आएगा तो उसके हिसाब से द क्वालिटी सीम्स रियली गुड जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जूम करने के बाद सो ये देखो ये सब जो है ना ये ये भी है ये मैक्रो सेंसर का फोटो है तो मैक्रो सेंसर तो काइंड ऑफ यूजलेस मेरे को लगता है टू बी ऑनेस्ट बाकी ये नॉर्मल फोटो है ये काफी ज्यादा अच्छा है लाइक जो बैकग्राउंड में ब्लर दिख रहा है आपको ये नेचुरल ब्लर है तो काफी अच्छा लगा मेरे को पर्सनली बाकी फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करूँ तो भाई फ्रंट फेसिंग कैमरा अच्छा है स्किन टोन्स मेंटेन करता है. ये है, useless, opinion, में को नहीं ये अच्छा है डायनिंग रेंज पर डेफिनेटली काम करने की जरूरत है बाकी ये कुछ वीडियो भी है जो मैंने कैप्चर किया बार देख लो आपको कैसा लगता है इनफिनिक्स नोट टेन के फोकसिंग की बात करो तो फोकसिंग भाई बहुत अच्छे से कर रहा है रेंज भी काफी सही है स्पेशली ये प्राइस के हिसाब से जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो यही है कुछ इसका वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग गाइस, इवन लो लाइट में आप जैसे आप लोग देख रहे हो तुरंत वो नाइट मोड काइंड ऑफ एक्टिवेट कर देता है फोकसिंग वगैरह भी अच्छी है

थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करता रहा जैसे आप लोग देख रहे हो देखो, देखो अभी अभी मेरा चेहरा कहीं कहीं देखो तो एक्सपोजर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा really, really कोई भी दिक्कत हो रहा नहीं है परफॉर्मेंस तो की बात करूँ तो भाई अभी तक के जैसे मैं जब से यूज कर रहा हूँ मेरे को कोई भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिला भाई जी फाइव बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है मैंने बहुत यूज किया है तो मेरे को इसके बारे में पता है कि भाई जी ए फाइव दमदार है और फिलहाल जैसे आप लोग देख रहे हो एंड्रॉइड इलेवन एक्सो एस डॉल्फिन वर्जन सेवन पॉइंट सिक्स पर चल रहा है भाई definitely इसमें बहुत सारे extra application आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज है भाई, इसमें बहुत हैं। बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन में यहां से रिमूव कर सकता हूं कि कि ये application है, इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता खाली डिसेबल करने का ऑप्शन है तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो फालतू रहते हैं ना मेरे को अगर वो डिसेबल या रिमूव करने का ऑप्शन मिले जैसे इसका है अनस्टॉल करने का ऑप्शन है यह एक्स शेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकता मैं ये एक्स नोट को भी इंस्टॉल नहीं कर सकता ये यो पार्टी को भी नहीं कर सकता तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो फालतू मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की तो मैं उसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ तो आ, इन्फिनिक्स को यह सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छा रहता मैंने इनफिनिक्स का सॉफ्टवेयर वाले फोन यूज़ किए हैं उसके बाद इसके अंदर हमको जीए टी फाइव मिलता है जैसे मैंने बताया भाई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी है डे टू डे टास्क हो गया या फिर कोई भी काम करना हो गया उसके अंदर परफॉर्मेंस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता ऐप्स वगैरह ओपन करना है तो कोई दिक्कत नहीं आता है और ये कुछ बेंच मार्क्स भी मैंने रन किए थे जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो तो ये इंटरनल स्टोरेज स्पीड है गीक बेंच है और एन स्कोर है लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत एड्स भी आते हैं जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो ऐसे फालतू के एप्लीकेशन के एड आ जाते हैं तो ये है और थोड़े बहुत नोटिफिकेशन भी आती है बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऐप्स वगैरह ओपन करने का क्लोज करने का वो लाइक बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन इस प्राइस रेंज में इट इज़ वेरी वेरी गुड मेरे को कहीं भी ऐसा फ्रेम रेट गिरता हुआ या फिर ऐसा जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिला अब सिक्सटी में क्या ही जिटर्स देखने को मिला तो ये काफी अच्छा चीज है लाइक डे टू देट डे टास्क जो है इसका बहुत अच्छा है जब गेमिंग की बात करूं तो भाई हमको इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी में वो जो एकदम हाई सेटिंग नहीं मिलता मीडियम का सेटिंग मिलता है और हाई का फ्रेम रेट मिलता है मैक्स वगैरह का फ्रेम रेट नहीं मिलता बट जो भी सेटिंग मिलता है भाई उसमें बहुत अच्छा चलता है कॉल ऑफ ड्यूटी में मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह मतलब ना के बराबर ही देखने को मिला देर वर सम फ्रेम ड्रॉप जो मैंने नोटिस किए बट उतना मेरे को कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा स्पेशली ये प्राइस में लाइक ये जो फोन है बारह रुपए का ठीक है बारह रुपए के हिसाब से द परफॉर्मेंस एंड द गेमिंग परफॉर्मेंस इज सुपर एक्चुअली

बैटरी अठारह वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, ठीक है बारह हजार प्राइस है ये याद रखो वन ट्वेंटी एट जीबी इंटरनल स्टोरेज एंड और... इसके अंदर हमको छह जी रैम देखने को मिलती है हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है उसके बाद यूएस बी टाइप सी पोर्ट है और जो थ्री पॉइंट फाइव mm एम हेडफोन जैक है वो भी अवेलेबल है डिसेंट क्वालिटी के फोर्टी एट मेगा पिक्सल मैं बोलूंगा सिंगल कैमरा सेटअप मिल जाता है और क्या चाहिए भाई फ्रंट में फ्लैश मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अच्छा है फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड भी अच्छी है भाई ये प्राइस में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फोन लगा एंड 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 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आई रियली लाइक दिस फोन डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ये फोन स्पेशल प्राइस में so, yeah, guys, यही था मेरा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और व्यू ऑफ दिस इनफिनिक्स नोट टेन आई होप आपको पसंद आया पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, गाइज बाय